दगड़ी देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। ये फ्राई वाले हैं ना, ये कबूल है। ये कुत्ता बहुत बस्त है, सब खाता है ये। मजा आ गया। गुड मॉर्निंग दगड़ियो, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। तो दगड़ियो, मैं जा रहा हूँ अभी जिम को और टाइम हो रहा है 6:02। मस्त जोक मारा रे यहाँ। तो उजाला होने गया था थोड़ा सा, तो मैंने कहा चलो निकल जाते हैं। और आज किसी भी का भी फ़ोन नहीं है। आज मैंने पहले ही सबको कल बोल दिया था, क्योंकि मम्मी जब से नहीं थी तो बड़ी दिक्कत हो जा रही थी टाइमिंग की। बट आज मैंने कल रात ही ग्रुप में मैंने सबको कह दिया था कि मैं टाइम पर आ जाऊँगा, टेंशन मत लो। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो अभी कोई नहीं आ रखा है, फटाफट जाते हैं जिम ओपन करते हैं, फिर सबको एक एक बार फ़ोन मिलाया जाएगा कि क्यों नहीं आ रहे हो, जल्दी पहुंचाओ। तो कुछ ना कुछ तो भड़कने का बनता है ना, तो चलते हैं फटाफट। तो हम लोग तो पहुंच गए हैं जिम में, और सारे के सारे पहुंच गए। और ये जवान जय क्या है, जय जवान जय किसान क्या है। और बाकी ये सर लोग भी यहाँ कर रहे थे, और मोहित भाई हमारे वहाँ कोने में घुसे पड़े हैं। आज मोहित भाई कह रहा है कि छाती बनानी है मेरे को अपनी, ऐसे पम्प कर देनी है मैंने चेस्ट, इसलिए मोहित भाई चेस्ट मार रहा है, तीनों बेंच मार रहा है। और तुम इतने लेट क्यों आ रहे हो भाई? तो और दगड़ियों, कैसे हैं सब लोग? क्या हाल चाल है? सब बढ़िया? दिवाली वाली की सफाई सब बढ़िया चल रही है? नहीं। तो 2-3 दिन से क्या हो रहा था कि मैं भी रानीखेत गया हुआ था, तो एक्सरसाइज साथ नहीं हो रही थी, गुरुजी हल्द्वानी तो हो नहीं पा रहा था। तो आज बहुत दिनों बाद साथ एक्सरसाइज मार रहे हैं। एहे, रहा नहीं जाता। सही लग रहा है। और मेरे साथ तो चल रहे हैं अब ये गुरुजी के। गुरुजी कैसा हो रहा है? चेस्ट और शोल्डर की एक्सरसाइज तो हमारी खत्म हो गई है, और अभी हम मार रहे हैं ट्राइसेप्स। और लोहित जी का सेटअप ये चल ही रहा है ये, और बस अभी लास्ट के हमारे बच रखे हैं, 2 सेट बचे हैं, मतलब 2 एक्सरसाइज बच रखी है, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज भी फिनिश हो जाएगी। लोहित जी का सेट पूरा हो गया है, अब मैं भी जाता हूँ सेट मारने। तो एक्सरसाइज हो गई है अब हमारी ख़त्म, अब हम जाते हैं घर को। और लोहित जी भी मतलब तैयार व्यार हो रहे हैं, पजामा वगैरह पहन रहे हैं, और चलते हैं फिर। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि हम हमेशा, आपको पता है कि हमें लेट हो ही जाती है, और एक्सरसाइज हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, पूरे के पूरे सेट मारते जो हमारा डेली वेयर रहता है, चाहे हम एक्सरसाइज 5 बजे शुरू करें, चाहे हम उसके मतलब अदर टाइम पर शुरू करें, तो एक्सरसाइज हम पूरी मारते। तो आज थोड़ी लेट शुरू करी, तो आज थोड़ी लेट होगी, बट अब निकल रहे हैं हम घर को। बाघ वाले दांत दिखा देते, चलो चलते हैं, यहाँ से हमारा होता है रवाना। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। चलते हैं आगे, तो आप घर को चलते हैं, वहाँ जाके देखते हैं कि क्या क्या हो पाता है। तो अभी बस जिम वगैरह के बाद मैं लेके आ गया घर के लिए कुछ सामान वगैरह, और पापा क्या है, पापा जा रखे हैं रानी खेत, और मम्मी का फ़ोन लग नहीं रहा। पापा वहाँ से बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि बात करा बात करा, मैं सामान ले रहा था। तो पहले घर जाते हैं और पापा से कराते हैं मम्मी की बात। प्यारी समझ गई। मम्मी के फ़ोन में पता नहीं क्या हो गया, मैंने सिम पोर्ट करवाई थी और वो पोर्ट शायद नहीं हुई, और फ़ोन भी नहीं मिल रहा, पता नहीं क्या दिक्कत आ गया। शाम को मोहित भाई के पास जाके पता करना पड़ेगा कि आखिर दिक्कत क्या हो रही है, सिम पोर्ट भी नहीं हुई और कॉल भी नहीं हो पा रहा। तो वो तो हमारा मोहित भाई बता पाएगा। फिर फिलहाल आ गए हैं घर, चलते हैं अंदर, थोड़ी देर बैठ जाते हैं। तो मैं तो हो गया हूँ नहा धो के एकदम फ्रेश कहते हैं जिसे, और मम्मी क्या कर रही है, मम्मी अंदर बना रही है आज छोई भात। तो दिखाता हूँ एक बार मम्मी छोई भात बना रही है। तो ये आज हमारा पकड़ा है छोई भात, और मैं ना मम्मी के लिए अभी मार्केट गया था, मैं फ्रूटी लेके आया, लेकिन फ्रूटी हो रही है पूरी बर्फ़ जैसी। मम्मी अब तो पिघल गई है, तो मतलब ये क्या है, बिल्कुल मैं जहाँ से लेके आया उन्होंने मुझे बिल्कुल बर्फ़ जैसी दे दी। अब मैंने कहा फिर मैं ऊपर कहीं और कहीं कहाँ जाता तो मैं इसी को ले आया। तो अभी अब थोड़ी नॉर्मल होगी, उस टाइम तो बिल्कुल क्या कहनी होगी पहाड़ी में ढूंग। बिल्कुल ढूंग एर्ची, अब थोड़ी नॉर्मल होगी, अब थोड़ा पीते हैं बस। मम्मी जोही चढ़ा के आती है, उसके बाद बैठ के दोनों जने पीते हैं। ये आ गया है मेरा जोही बात, हरी सब्जी की टपकी और हरी मिर्च और ये पराठे। ये पराठे और रोटी अभी इसलिए बच रखी है, सुबह मैंने जिम से आके नाश्ता नहीं किया था, मैं आया थोड़ी देर मम्मी के साथ बैठा और फिर मैंने नहाया धोया। तो मैंने कहा टाइम ज़्यादा ही हो गया था, आज जिम करने में थोड़ा देर हो गई थी, तो मैंने नाश्ता नहीं किया था। तो मैंने कहा मम्मी अभी एक साथ ही दे देना मुझे सब कुछ, तो करते हैं खाना। तो
खाना वगैरह खाने के बाद मैं आ गया थोड़ी देर छत पे धूप में, क्योंकि अब ना हल्का हल्का ठंडा होना शुरू हो गया है। अबे साले, और अब लगता है कि धूप सेकने वाला टाइम आ जाएगा, कि सभी जगह धूप सेकेंगे। फिलहाल तो वैसे अभी मेरा सेकने का मन नहीं कर रहा था, बट हल्का हल्का सा ठंडा लग रहा था, तो मैं थोड़ी देर बैठने आ गया। धूप भी अब थोड़ी देर सेक ली, अब नीचे जाके थोड़ी देर लेट जाते हैं। म्यूजिक बज गए हैं, अभी 5 बजने वाले हैं और मैं जा रहा हूँ जिम को, और जिम के साथ मैंने अभी जाना है चकुटिया भी, और चकुटिया मेरे को इस काम के लिए जाना है। पापा गए थे रानीखेत और उनको जो गाड़ी मिली है वो गाड़ी मिली है उनको 5 बजे वाली, 5 बजे वहाँ से निकलेगी और 7-7.30 बजे समथिंग वो पहुँचेगी चकुटिया। और उसके बाद से हमारे यहाँ को मासी को गाड़ी कोई नहीं आती है, तो शायद मेरे को पापा को लेने भी जाना पड़ सकता है, तो स्कूटी तो मैं अभी लेके चल जाऊँगा। फिर उसके बाद जब वो धौराड़ से मुझे फ़ोन करके बोलेंगे कि मैं यहाँ से गाड़ी निकल लिए, तो उस हिसाब से फिर मैं मासी से निकलूँगा। फिलहाल मैं स्कूटी तो अभी लेके ही चले जाऊँगा मैं। और मम्मी ने बना दी है चाय, चाय पीते हैं, वो भी काली, मुझे काली चाय बहुत पसंद है। हमारी तो आ गई ब्लैक टी, देख लो ब्लैक ही है। दूध वाली चाय ना वो कर देती है जी भी, कत 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 का सा मुँह, उसको पी के मज़ा नहीं आता। कॉफ़ी भी कभी पीता हूँ ना मैं, जैसे एक कोई फ्रेंड लोग वगैरह का कॉफ़ी कभी पिला दे तो मैं काली ही पीता हूँ, दूध वाली नहीं पीता। और चाय के साथ मम्मी शायद ये फ्राई कर रही है कि चाय के साथ हम खाएंगे, क्या कहते हैं इनको, तलने वाले कहते हैं पकौड़े कहते हैं, तलने वाले कहते हैं। हमने मम्मी ने इनका नाम रखा है तलने वाले। अच्छा अभी हम पूछते हैं मम्मी क्या कर रही, कह रही वो जो तलने वाले हैं ना मैं वो बना रही हूँ। तो अभी चलो मम्मी लाती चाय के साथ, उसको भी खाते हैं, उसके बाद चलते हैं जिम। ज़्यादा तो मैं नहीं खाता, वैसे भी तेल वाली चीज़ें मैं ज़्यादा पसंद नहीं करता, मतलब एक खा ही लूँगा। और जिस दिन अभी हमारे लोहित भाई जी और मोहित भाई जी देखेंगे तो फिर उन्होंने मेरे पे चिल्लाना है, वो सोचेंगे इसने बहुत खा दिया, तो उनको बता दूंगा मैं पहले ही कि मैं एक खाऊंगा। ये तब से मुझसे कह रहा था घूमने चल घूमने चल घूमने चल, और जब मैं इसको घुमा के लाया तो इसकी अब सांस फूल ली है, है करने में है ये। अब बताओ घूमना भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर इससे ऐसे भी हो जाता है। दगड़ी देखो मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ, ये फ्राई वाले है ना, ये कबूल है। रुको जरा सबर करो। ये कुत्ता बहुत बस्त है, सब खाता है ये। मजा आ गया नहीं? देखा कुछ भी खिलाओ, कुछ भी, पटा चुड़कानी, राजा और जोई भात, दाल भात, सब खाएगा हमारा कुत्ता। पापा भी आ गए थे रानीखेत से, और क्या कहते गाड़ी आई थी थोड़ी सी लेट, और मन को चकुटिया लेने गया, और जस्ट हम आ गए थे, फिर मम्मी ने खाना वगैरह बनाया था, पापा तो उस कमरे में खा रहे हैं, कब्बू हमारा यहाँ खा रहा है, पापा वहाँ बैठ के खा रहे हैं, और मम्मी जय माता दी कहती है गाना गाते गाते। खाना चल रहा है मम्मी का यहाँ बनाना, ठीक चौ। और भजन गाते गाते मम्मी बना रही खाना, और मैं बैठ रखा था, और पापा का बैग वगैरह ऐसी है ये, इसको भी साइड करते हैं क्योंकि आजकल पापा वगैरह मम्मी लोग वहाँ सो रहे हैं वहाँ, क्योंकि मैंने 2 चरपाई इकट्ठी करके बना रखी, 1 चरपाई में पापा सो जाते, 1 चरपाई में मम्मी सो जाती, और 1 चरपाई में आजकल मैं सो रहा हूँ। और पापा क्या कहते हैं, पापा हमारे लिए लेके आ गए थे धौराड़ से हमारे लिए मूंगफलियाँ, कोई गर्म गर्म मूंगफलियाँ भूट रहा था, तो पापा ले आए थे, ये रखा है पैकेट, मैंने 3-4 निकाले, 3-4 निकाल के मैं खा रहा हूँ, क्योंकि ठंड का टाइम आ गया, ठंड के टाइम पे मूंगफली बहुत प्यारी लगती है, जैसे खाना वगैरह खाया थोड़ी देर बैठे सब जने मूंगफली वगैरह खाने में, और एक वो भी खाते हैं शायद गुड़पट्टी वगैरह, वो भी बहुत अच्छी लगती है खाने के बाद, हालांकि मैं मीठा बहुत कम खाता हूँ, पर जहाँ गुड़पट्टी की बात आ जाए तो थोड़ा सा खा ही लेता हूँ। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो मेरा तो लग चुका है अब खाना, पराठे अरबी की सब्जी, जो कि होती है क्या कहते हैं इसको अरबी को, वैसे दूसरी क्या होती हो, गडेरी, गडेरी का भाई उसे कहते हैं अरबी। पापा ने खाना खा लिया, आप खा रहे हैं मूंगफली, और कब्बू देखो पापा को कैसे देख रहा है, लेकिन हम इसको मूंगफली दे रहे हैं तो ये कब्बू खा नहीं रहा है, ये सोच रहा है कि पापा खा रहे हैं शायद मीट वगैरह कुछ, तो उसी के ताक में है ये, क्योंकि हम इसके लिए मतलब 1 किलो या 1.5 किलो ना ऐसी थोड़ा सा चिकन ले आते हैं हम इकट्ठा करके, उसको साफ आफ करके हम फ्रीजर में रख देते हैं, और इसके लिए डेली थोड़ा थोड़ा बना के इसको देते रहते हैं। अभी हमने इसको दे दिया है, बट इसको ये लगता है कि
मेरे को चिकन दिया है तो हम भी चिकन ही खा रहे हैं, तो इसलिए ये घूरता रहता है इसे। दोस्तों हमारा फ्रिज का ना लाइट खराब हो गई, पता नहीं क्या हो गया, कल ही पापा नया लेके आए और ये लाइट जल गई। देखो चेक करो है कुछ तो, पता नहीं शायद ये बल्ब फ्यूज हो गया, कल ही लेके आए, बट ये देखो इसके तारे वगैरह पता नहीं आप लोगों को दिख रही है कि नहीं दिख रही, तारे वगैरह सारी सारी टूट गई, मतलब फ्रिज खोल लिया हम, लाइट नहीं चल रही, हमने कहा ये क्या हो गया। तो सुबह से तो हमने लगा शायद फ्रिज बंद था, कभी कभी हम फ्रिज बंद भी करते क्योंकि हमारा ना हेडल यहाँ पास में ही है, कभी पावर तेज़ हो जाती है कभी कम हो जाती है, तो इस वजह से फ्रिज हम अपने हिसाब से बंद कर देते हैं, कभी अपने हिसाब से खोलते हैं, मतलब टाइम के हिसाब से। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का ढाल, बट ये फ्यूज हो गया और कल ही लाए हैं नया बल्ब, अब हमें फिर दोबारा लेके आना पड़ेगा क्योंकि रात में कभी फ्रिज खोलेंगे तो अंधेर पटा चल तो कशी दिखोला हमको, तुमने समझ सकता ये बात, तो ये तो बदलना ही पड़ेगा। पापा गुस्सा भी कर रहे हैं और फ्रिज में से जो सामान निकाला है बल्ब निकालने के लिए उसको लगा भी रहे हैं। तो दगड़ियों आज का ब्लॉग बस इतना ही, आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सपोर्ट करना, बाकी आपको सभी बताइए, तो बाय।